हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपके बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो या फिर मध्य प्रदेश एसआई हो, और भी अदर आपके वो एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इन सभी के लिए आप लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है, मतलब की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया कवर और आपका प्रैक्टिस सेट सेकेंड भी कवर करा दिया। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट कौन सा, थर्ड। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें आपकी क्लास डेली पर डे 8 बजे होती है मॉर्निंग में, तो आप लोग टाइम से आया करें लाइव और क्वेश्चन को अटेंड करें और जानें अपना लेवल क्या, आखिरकार आपकी तैयारी क्या हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आप यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करा करें, फिर चाहे आपसे वो बने या ना बने, बट आप अपना कमेंट करके आंसर जरूर दें। इससे क्या होगा, इससे आपके क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे, हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से बैठेगा, क्योंकि आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, मतलब आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन पे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसको लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो दोस्तों, आप सब लोग टाइम से आ जाया करें, बस यही बोलना चाहूंगा। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि आपके समक्ष क्वेश्चन लगे हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, क्या आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिक है। आपको बताना है अनुनासिक शब्द, यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर ही बताया जाएगा, ना कि मैं यहाँ पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अनुनासिक शब्द छाटिए, उदर, कंकन, दांत या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जाता है क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दांत। दांत आपका क्या है, अनुनासिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बेस्वर जिनका या जिनकी उच्चारण ध्वनि नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, आपको बताना है बेस्वर जिनका उच्चारण नाक से होता है या ध्वनि नाक से निकलती है उनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, नासिक, निर्नुनासिक या फिर अनुस्वार। जल्दी से बताओ, कमेंट करो फास्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जा रहा है क्या आपका ऑप्शन नंबर जा रहा है दोस्तों फोर्थ, यहाँ पे बोलेंगे अनुस्वार। जी हाँ दोस्तों, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है आपको बोलना है उनको अनुस्वार बोला जाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि आखिर क्या पूछ रहा है। दोस्तों कमेंट करते चले, राइट आंसर रॉन्ग आंसर जैसे भी बने बट कमेंट करते चले। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बेस्वर जिनका उच्चारण नाक एवं मुख से होता है उन्हें खालिस्थान कहते हैं। अब बताइए आपको क्या बोलते हैं उनको जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। आपके ऑप्शन से अनुनासिक, नासिक, निर्नुनासिक और इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करो, चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। अनुनासिक, नासिक, निर्नुनासिक, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है बेस्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 23 का आपका राइट आंसर आता है फर्स्ट, अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें कहते हैं क्या, अनुनासिक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, बेस्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं। आप बताइए बेस्वर कौन से हैं जिनको हम ध्वनि मुख से ही निकलती है उनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, नासिक, निर्नुनासिक, इनमें से कोई नहीं, कमेंट करो फास्ट। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 24वां और यहाँ पर राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्नुनासिक। ओके, बेस्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें बोलते हैं निर्नुनासिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या 25वां, प्लुप्त स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना गुना समय लगता है। दोस्तों, आपके वर्णमाला के सारे क्वेश्चन हैं, हम यहाँ पर टॉपिक बाई टॉपिक आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, प्लुप्त स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना गुना समय लगता है। कल मैंने पढ़ाया था डिटेल्स में, बट आप लोगों के क्वेश्चन आने लगे कमेंट की, सर आप सिर्फ ओनली यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कराएं, प्रैक्टिस कराएं, डिटेल्स में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पर आज ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, यदि आप लोग बोलेंगे तभी मैं यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, नहीं तो मतलब नहीं है कोई, है ना, क्योंकि कोई देखने वाला जरूर हो तब जाके मजा आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताइए
लुप्त स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना गुना समय लेता है? यहाँ पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। दो ऑप्शन आपके डायरेक्टली हट गए। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 गुना। चलिए क्वेश्चन है आपका क्या, आपका क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है 26वां, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आपको बताना है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कितनी है ह्रस्व स्वरों की संख्या? तो दोस्तों आपको बताना है ह्रस्व स्वरों की संख्या, तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, 4। ओके, यहाँ पर मैंने बताया भी था ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर उनकी संख्या है 4। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 27वां, क्या पूछ रहा है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? आपको बताना है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कमेंट करो फास्ट, दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या जाने वाली है आपकी कितनी, आपकी 7। ओके, दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं, 7। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28वां, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? जल्दी से कमेंट करो फास्ट, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, आ ई ए उ। आपको दीर्घ स्वर बताना है, मैंने बताया था कि यहाँ पर मात्रा तो नहीं है बट यहाँ पर ये दीर्घ होता है, बताइए जल्दी से फाइंड करो। तो दोस्तों आप लोग जान गए होंगे यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है क्या आपका, ऑप्शन नंबर 3, ए। एक ऐसा बर्ड जिसमें मात्रा नहीं हुई वो होते हुए भी इसको दीर्घ में काउंट किया जाता है। ओके, बाकी सारे यहाँ पर आपके सभी के सभी लघु हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पूछ रहा है क्या संयुक्त अक्षर स्रा किन वर्णों से मिलकर बना है? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक बना तय है, आप लोगों को यहाँ से आना चाहिए। स्रा किससे मिलकर बनता है, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जो चारों वर्ण होते हैं ये किस किस से मिलकर बनते हैं, इनकी ट्रिक बाकायदा आपको बताई जाएगी, बट आप लोग डिटेल्स में पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो चलिए आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही राजी। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आपका सीट वाला सा और रा, यहाँ पे आधा सा और आधा रा, फिर आधा सा और आधा रा, आधा सा और रावड़ रा, बताइए किससे मिलकर बनता है संयुक्त अक्षर स्रा। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर क्वेश्चन है 29वां, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आधा सा और रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या संयुक्त अक्षर ग्या किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो दोस्तों आपको बताना है आपका जो ग्या है किन वर्णों से मिलकर बनता है, आधा जा और दो छिक्या, यहाँ पर आधा जा और मा, आधा जा और अड़ा, आधा जा और दो छिक्या, बताइए यहाँ पर किससे मिलकर बनता है संयुक्त अक्षर ग्या, किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या, आधा जा और दो छिक्या, ऑप्शन नंबर 1। अब आपके लिए क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है कमेंट्स बॉक्स में, इसका राइट आंसर संयुक्त अक्षर त्रा किन वर्णों से मिलकर बनता है, कहीं से भी ढूंढिए कैसे भी फाइंड करिए बट आपको इसका राइट आंसर देना है। संयुक्त अक्षर त्रा किन वर्णों से मिलकर बनता है, आधा ता रा और ता रा, और आपका यहाँ पर क्या आधा ता और रबड़ रा, बताइए यहाँ पर आपको कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे हम आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब लोग टाइम से आया करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करते जाएं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।